एक सच्चा वैरागी व्यक्ति आप देखोगे ना, उसमें चमक दिखेगी, तेज दिखेगा, उत्साह दिखेगा, एक डायनेमिज्म दिखेगा, इंटेंसिटी दिखेगी, प्रेम दिखेगा। ये वैराग्य के लक्षण है। अष्टवक्र सेशन में आप सभी का स्वागत है और आज हमारा दूसरा दिन है। तो कल अंत में बात हुई थी कि प्रश्न कहाँ और कैसे पूछना चाहिए। यदि ये कला हमारे पास है तो हम कह सकते हैं हम एक अच्छे विद्यार्थी हैं और हमें उत्तर भी त्वरित मिल सकता है। सही प्रश्न सही समय पर सही जगह पर सही व्यक्ति से पूछा जाए तो उसका उत्तर अवश्य मिलता है। तो ये जो महामुनि अष्टावक्र और परम जिज्ञासु जनक राजा जी के बीच जो संवाद था, तो अष्टावक्र का तो एक तैयार शिष्य मिल गए, स्टूडेंट मिल गए, जो इतने संवेदनशील थे। इसलिए जनक राजा जी ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया और सीधे अपने प्रश्न पर आ गए। तो जनक राजा जी ने तीन प्रश्न पूछे कि इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालिए। पहला प्रश्न अष्टावक्र जी को पूछा जनक राजा जी ने, जीवन में ज्ञान कैसे पाए। अब देखो, ज्ञान की इच्छा उसी व्यक्ति को होगी जो प्रसन्न है, शांत है, खुश है। अप्रसन्न व्यक्ति तो अपनी उलझनों में ही इतना घिरा हुआ है, तो ज्ञान उसके लिए जो जनों दूर है वो तो रोजमर्रा की उलझनों में ही उलझा रहेगा। जो खुद प्रसन्न है, तृप्त है, शांत है, उसी व्यक्ति को एक जिज्ञासा जगती है कि जीवन में थोड़ा ज्ञान प्राप्त करूं। तो जनक राजा जी ऐसे थे, इसलिए पहला प्रश्न उठा, मैं ज्ञान की प्राप्ति कैसे करूं। और दूसरा प्रश्न, मुझे मुक्ति का अनुभव करना है। अब यहां पर समझने लायक ये बात है, मुक्ति का अनुभव जनरली वो लोग चाहते हैं जो खुद अपने आप को बंधन में महसूस करते हैं। आप देखना, कोई व्यक्ति दुखी हो, समस्याओं से घिरा हुआ हो, अंदर से बहुत बॉन्डेज महसूस करता है। उसको लगता है ये सब समस्या कब सुलझेगी और मैं इस बंधन से बाहर आके जीवन में मुक्ति का अनुभव करूंगा। तो एक जो खुश या प्रसन्न होता है उसको ज्ञान की इच्छा उठती है, जो दुखी जीवन में घिरा हुआ महसूस करता है उसको मुक्ति की इच्छा। जनक राजा ने ये संवाद में, ये संवाद खाली उस समय तक सीमित नहीं था, ये संवाद आज भी ये दोनों कैटेगरीज के लोगों को एड्रेस करता है। कईयों को बंधन में से मुक्ति चाहिए, इसलिए जनक राजा जी ने हमारे बिहाफ में ये प्रश्न अष्टावक्र जी को पूछा। बाकी उनको तो ज्ञान चाहिए था, फिर पूछ भी लिया मुक्ति कैसे पाऊं मैं। और तीसरा प्रश्न, मुझे वैराग्य प्राप्त करना है। ये तीन प्रश्न जनक राजा जी ने अष्टावक्र को पूछे। और आप देखना, जो दूसरा प्रश्न मुक्ति की इच्छा, किससे मुक्ति चाहिए, हम बंधन का अनुभव करते हैं और ये इच्छा बड़ी स्वाभाविक है। ज्ञान की इच्छा भी बड़ी स्वाभाविक है, क्या जानना है वो बात अलग है जिसके विषय में हमने कल चर्चा की थी। बंधन का अनुभव हम बचपन से ही करते हैं। आप 3 साल के बच्चों के हाथ रस्सी से बांध दो, वो क्या करेगा, वो रस्सी को निकाल के फेंकना चाहेगा, उसको वो बंधन पसंद नहीं है। तो बंधन से मुक्ति की इच्छा बड़ी स्वाभाविक है। यदि होती है तो अपने आप को निचली कैटेगरी का नहीं मानना चाहिए, ये स्वाभाविक इच्छा है। लेकिन जीवन में कई बार क्या होता है, बंधन है
उसको रियलाइज करने में बहुत समय लग जाता है और जीवन भर वो बंधन का ही अनुभव करते रहते हैं, और तब जाके यदि कोई ज्ञान मिल गया तब उसमें से मुक्ति लोग पाते हैं, वरना बंधन में जीते जीते उसी को जीवन मान लेते कि भाई जीवन ऐसा ही है, ये सब ऐसे ही चलता रहेगा, और वो संघर्षमय जीवन रहता है। आप देख ना, ज्यादातर लोग बंधन में फंसे रहते हैं, न ज्ञान है न कोई प्रेरणा है, और उसकी वजह से बंधन को ही जीवन मानकर संघर्ष करते करते अपना उत्साह खो देते, उदास हो जाते हैं। और तीसरा, मुक्ति की इच्छा, ज्ञान की इच्छा, और तीसरा वैराग्य की इच्छा। वैराग्य यानी हम सभी ने सुना है, वैराग्य यानी ऐसा नहीं है कि वही भगवा वस्त्र पहन के या सफेद कपड़े पहन के हिमालय की कंदराओं में घुस जाओ, वो वैराग्य नहीं है। यहां से भागोगे लेकिन मन तो आपके साथ ही चलेगा जहां भी जाओगे। वैराग्य यानी क्या? ऐसा मन जो ज्वर से पीड़ित नहीं है, अ माइंड विदाउट फ्यूरिशनेस, तो हम कह सकते हैं उस व्यक्ति में वैराग्य पनप चुका है। क्योंकि एक सच्चा वैरागी व्यक्ति आप देखोगे ना, उसमें चमक दिखेगी, तेज दिखेगा, उत्साह दिखेगा, एक डायनेमिज्म दिखेगा, इंटेंसिटी दिखेगी, प्रेम दिखेगा। ये वैराग्य के लक्षण है। हम वैराग्य को अलग समझते हैं कि भाई उदास होके बैठे रहना, कुछ भी नहीं करना। वैराग्य में एक वाइब्रेंसी होती है, ठहराव भी होता है, उत्सव भी होता है, और मुक्ति का अनुभव भी पल पल होता है। तो जनक राजा जी ने ये तीन प्रश्न, कि भाई ये तीन पर आप प्रकाश डालिए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मुझे ज्ञान चाहिए, मुझे मुक्ति का अनुभव चाहिए, और मुझे वैराग्य चाहिए, मम प्रभु आप इस पर प्रकाश डालिए। मम प्रभु अष्टावक्र को एक उपाधि दे दी। आप केवल किसी को प्रभु मानोगे ना, भाई राम भगवान फॉर एग्जाम्पल, कृष्ण भगवान, या जो भी जिस किसी पर आपकी श्रद्धा है, तो भगवान मानते हो तो ऑटोमेटिक एक दूरी महसूस करोगे आप। देखना, जैसे जनक राजा जी तो खुद राजा थे, तो राजा से तो कोई कनेक्शन महसूस नहीं होता, एक डिस्टेंस बना रहता है, क्योंकि हम उनको रिस्पेक्ट करते, आदर करते हैं, उनका स्थान अलग है ना? एक पॉलिटिशियन भी वैसा ही होता है। पॉलिटिशियन का भी कोई मित्र नहीं होता, न कोई पॉलिटिशियन का मित्र बन सकता है, जिस तरह राजा के साथ होता है। लेकिन यहाँ पर जनक राजा जी ने अष्टवक्र को प्रभु के नाम से संबोधित नहीं किया, मम प्रभु, मेरे प्रभु, प्लीज इस तीनों प्रश्नों का उत्तर दें, मम प्रभु, मेरे प्रभु। ये ममता नहीं, आत्मीयता के आधार पर प्रश्न पूछा गया। ज्ञान का आदान प्रदान वहीं पर संभव है जहां पर एक अंदर से निकटता, जिसको हम उपनिषद भी कहते, सिटिंग क्लोज, शारीरिक रूप से नहीं, मन से भी हम कनेक्शन महसूस करें, हे मेरे प्रभु, एक आत्मीयता के भाव से जनक राजा ये प्रश्न पूछते हैं तीनों। अब देखो, कई लोग होते हैं तो वो ऐसा पूछते हैं कि भाई जीवन में गुरु की आवश्यकता क्यों है। कई बार गुरुजी कह रहे थे कि भाई, लोग मुझे भी पूछते हैं कि गुरु की आवश्यकता क्यों है गुरुजी, तो मैं कहता हूं, अब ये प्रश्न आपने पूछ लिया है, यदि मैं उत्तर दूंगा तो बाय डिफॉल्ट मैं गुरु बन ही गया ना, समझ रहे हो भाई। गुरु की आवश्यकता तब नहीं पड़ती है जब जीवन में एक भी प्रश्न न उठे, यानी आप आत्मज्ञानी बन जाओ, आत्मज्ञान को प्राप्त कर लो, तब एक भी प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि वो अनंत चेतना के साथ आप खुद मर्ज हो जाते हो, फिर प्रश्न नहीं उठते। लेकिन प्रश्न उठा यानी जीवन में गुरु की आवश्यकता ही है। कई लोग कई बार इस तरह के प्रश्न पूछते हैं मुझे, गुरु जी कह रहे थे कि गुरु की क्या आवश्यकता है। ये तो ऐसी बात हो गई, आप बीमार हो और दवाई लेने जाते हो और ये कहते हो कि
आप मुझे दवाई दो, मैं दवाई दूंगा, लेकिन आप डॉक्टर नहीं हो, ना ही मैं दर्दी हूं। अरे ये कैसे संभव है? आपने दवाई ली तो वो डॉक्टर बन ही गया और आप दर्दी बन ही गए। प्रश्न उठा तो वो सामने जो उत्तर दे रहा है वो गुरु बन ही गया और आप शिष्य बन ही गए भाई। तो जनक राजा जी ने मम प्रभु या कह सकते, हे मेरे गुरु अष्टावक्र जी, मुझे ये तीन प्रश्नों का उत्तर दे। तो हमारे यहाँ ये वैदिक परंपराओं में भारत में एक बहुत सुंदर पद्धति है। हमारे यहाँ बहुत सारे शास्त्र हैं जिसका रेफरेंस लिया जाता है। अब देखना, कई बार आप बात बात में बच्चों को कहते हो भाई इस तरह करना चाहिए, क्यों क्यों करना चाहिए? बच्चा पूछता है, भाई शास्त्र में लिखा है, धर्म ये कह रहा है। हम कई बार इस तरह कोई विधियां करते हैं परंपराओं से, भले हमें नहीं पता है लेकिन शास्त्रों में लिखा गया है, तो एक आदेश मानकर, सात्विक आदेश मानकर उन परंपराओं का पालन करते हैं। तो इसी तरह हमारा एक शास्त्र है, न्याय शास्त्र। उसमें सही गलत का भेद बताया है। तो उस शास्त्र में ज्ञान से, अंतस्पुर्णा से, सात्विक चर्चाओं से जो अनुभूतियां हुई हैं, अध्ययन स्व अध्ययन से जो सारी अनुभूतियां हुई, उससे मिलकर ये शास्त्र बना है, न्याय शास्त्र। उसका रेफरेंस लेना पड़ता है कई बार। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूं, अब आंखों से तो दिख रहा है कि सूरज का उदय हो रहा है और सूरज का अस्त हो रहा है, सामने दिख रहा है भाई, ये हमारा सत्य है कि सूरज यहां से उगा, उदय हुआ और यहां पे अस्त हुआ, पूर्व से निकलकर पश्चिम में गया शाम को, अब दिखता है। अब ये देखने को आप सत्य मानोगे या शास्त्र में, न्याय शास्त्र में ऐसा लिखा गया है कि पृथ्वी सूर्य के आसपास घूमती है, इसलिए ये ऑप्टिकल इल्यूजन होता है, एक भ्रमणा होती है। तो आंखों से दिखता है, फिर भी जो इंद्रिया देख रही है उसको सत्य न मानकर हम शास्त्र की बात मानते हैं। तो इस तरह के जब प्रश्न उठते हैं ना कई बार, तो शास्त्रोक्त रेफरेंस लिया जाता है। तो ये जब जनक राजा को प्रश्न उठे, तो अष्टावक्र जी तो बहुत ज्ञानी थे, सारे शास्त्रों का अध्ययन था और उनका खुद का भी अध्ययन था। तो इस तरह से अष्टावक्र अपनी बात फिर रख रहे हैं। गुरु जी आज ये भी कह रहे थे कि कई बार क्या होता है कि हमारा ही मन गुस्से से भरा हुआ होता है और हम गुरु जी को, तो गुरु जी आप तो मेरे सामने देखते भी नहीं, मेरे से नाराज हो क्या, गुस्सा हो क्या? तो गुरु जी कहते, मेरे पास गुस्सा होने का कहाँ समय है, तुम स्व अध्ययन करो भाई, तुम्हारे अंदर ही वो गुस्सा भरा पड़ा है, तुम अंदर से ही अपने आप से डिस्कनेक्टेड हो, इसलिए आप मेरे से दूरी महसूस कर रहे हो। कई बार क्या होता है, वी आर प्रोजेक्टिंग आवर माइंड ऑन अदर्स, हमारा ही मन हम बाहर प्रोजेक्ट करते हैं, तो वैसी दुनिया दिखती है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो ये क्या बात है कि आप दूरबीन से कोई चीज देखते हो, तो दूरबीन के कांच पर मक्खी है तो सामने बड़ा पहाड़ दिखेगा, पहाड़ है ही नहीं, लेकिन वो मक्खी इस आंख के सामने वाले ग्लास पर मक्खी है, तो दूरबीन में प्रोजेक्शन में तो बड़ा पहाड़, काला पहाड़ दिखेगा। तो इसी तरह जब हमारा ही मन नकारात्मकता से या हीन भावनाओं से भरा पड़ा होता है और कई बार हम वही प्रोजेक्ट करते हैं, तो जनक राजा जी के मन में ये तीन प्रश्न उठे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ज्ञान की इच्छा यानी कुछ जानने की इच्छा। आप देखना, यदि बुद्धि कुशाग्र है, शार्पन इंटेलेक्ट है ना, उस व्यक्ति को ही जीवन में और ज्यादा जानने का मन करता है, और तब तक वो जानने की इच्छा रहती है जब तक उसको आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। जिसकी बुद्धि में जड़ता आ चुकी है ना, वो बस अपने सीमित जीवन में ही बस कोलू के बेल की तरह घूमता रहेगा।
तो कुछ जानने की इच्छा है तो अपने आप को शाबाशी देना कि बुद्धि अभी भी कुशाग्र है, शार्पन इंटेलेक्ट है हमारी। और दूसरा प्रश्न था मुक्ति की इच्छा, बंधन से छूटने की इच्छा, और तीसरी इच्छा वैराग्य की इच्छा। ये तीनों इच्छा मैं ये कहूंगा ये एक स्वस्थ व्यक्ति की निशानी है। आप मेंटली इमोशनली हेल्दी हो तभी ऐसे प्रश्न उठ सकते जो जनक राजा जी के मन में उठे और अष्टावक्र गुरु को पूछा उन्होंने। तो ज्ञान, मुक्ति और वैराग्य, आपके पास ज्ञान है कुछ हद तक, कुछ हद तक आपके पास आप मुक्ति का अनुभव कर रहे हो, तब फिर वैराग्य की इच्छा उठती है। ध्यान से सुन, या कई बार यदि वैराग्य की इच्छा पनपी तो ऑटोमेटिक ज्ञान भी होने लगता है और मुक्त भी महसूस करने लगते हो। तो गुरु जी ये कह रहे हैं ये तीन प्रश्न एक स्वस्थ व्यक्ति की निशानी है। तो कई बार यार ज्ञान की प्राप्ति के लिए कुछ करना पड़ेगा, कुछ पुरुषार्थ करना पड़ेगा, या कई लोग ऐसा यार मुक्ति पाने के लिए पुरुषार्थ बहुत है क्या, बहुत प्रयास करना पड़ेगा। तो जो लोग ज्ञान को और मुक्ति को उलझन समझते हैं ना, फिर उनके लिए वैराग्य का रास्ता है, बाकी तो वो दो से ही आप वहां तक पहुंच सकते हो। तो आप देखोगे ना भाई वैराग्य कैसे प्राप्त करें, जब ये पूछा तो एक बहुत अच्छी बात गुरुदेव ने यहां पर कही कि हम जीवन मिला है ना, जीवन में चार प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं। ध्यान से सुनना, चार प्रकार के हम पुरुषार्थ करते रहते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष की बात सीधी नहीं हो सकती, मुक्ति की बात सीधी नहीं हो सकती, पहले धर्म को जानना पड़ेगा, अर्थ को जानना पड़ेगा, काम को जानना पड़ेगा, तब हम मोक्ष तक पहुंच सकते हैं। भाई धर्म यानी क्या? तो कई बार हम कहते हैं हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, ये धर्म नहीं है। धर्म यानी जो अंदर से आपको थाम के रखता है वही धर्म है, जो अंदर से आप धारण करके बैठे हो ना उसी को धर्म कहते हैं। मैं एक सिंपल एग्जाम्पल के जरिए समझाऊं, यदि मैं आपको ये कहूं कि मैं 1 करोड़ रुपया आपको दूंगा, आप फलानी व्यक्ति का खून कर दो, आप करोगे क्या? अंदर से आवाज, नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता भैया। तो अंदर से कोई चीज आपको ये नहीं करना चाहिए ऐसी सेंस देती है। और यही ऑफर मैं किसी सुपारी लेने वाले को जिसका प्रोफेशन ही यही है पैसे लेकर खून करना, वो एक क्षण का भी विचार नहीं करेगा। तो आपको अंदर से किसी चीज ने रोक दिया उसी को ही धर्म कहते हैं। धर्म यानी क्या? जो अंदर से हमें थाम के रखता है। आप देखना ये पशु पक्षी प्राणी ये सारे अपने स्वधर्म में चलते हैं, वो उनका लाइफ करीबन करीबन डिजाइंड होता है, वो एक धर्म के आधार पर ही चलेंगे। शेर का पेट भरा हुआ है तो वो शिकार नहीं करेगा, लेकिन मनुष्य के पास यदि अरबों रुपये भी है ना, फिर भी कुछ गलत करके और पैसे इकट्ठा करने की चेष्टा करेगा। तो मनुष्य के पास, क्योंकि एक मनुष्य ही ऐसी जाति है इसके पास बुद्धि के साथ ऊपर वाले ने स्वतंत्रता भी दी गई है, इसलिए मनुष्य के पास दोनों रास्ते, वो धर्म के रास्ते पर चलकर अपना भी और समाज का भी कल्याण कर सकता है, या अधर्म के मार्ग पर चल के खुद का और समाज का भी नाश कर सकता है। ये दोनों चॉइसेस हैं। तो ये जीवन में जो चार पुरुषार्थ है ना, उसमें पहला पुरुषार्थ धर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि हम अधर्म पर चलेंगे, क्योंकि चॉइस है मनुष्य के पास, इसलिए कर्म बंधन भी लगता है। आप कुछ रॉन्ग करोगे तो उसकी इफेक्ट, कोज एंड इफेक्ट,
आपने कुछ किया तो उसका असर आना ही है, अब नहीं तो थोड़े समय के बाद वो आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि मनुष्य के पास बुद्धि के साथ स्वतंत्रता भी दी गई है जो पशु पंछी और प्राणियों के पास नहीं है। धर्म के बाद आता है अर्थ। अर्थ यानी इंग्लिश में जिस्ट कहते हैं, सार, कॉन्क्लूजन। आप देखना कई बार आप शब्द प्रयोग करते हो जब कोई काम नहीं होता, अरे यार आज तो अनर्थ हो गया, अचानक से कोई ऐसी घटना होती है तो ये शब्द हम बोल पड़ते हैं। आजकल की पीढ़ी ये शब्द से इतना परिचित नहीं है, लेकिन हमारी पीढ़ी तक के लोग परिचित, अनर्थ हो गया मतलब अघटित कुछ घटा, अनएक्सपेक्टेड घट गया कुछ। धर्म के साथ अर्थ होना भी बहुत 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 जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। धर्म यानी धारण करना, और धारण करके एक सारे कर्म या सारे संबंध का कोई सार हो। आप देखना कई बार हम इस तरह का प्रपंच अपने ही मन से खड़े करके उलझनों में उलझते ही जाते हैं, उलझते ही जाते हैं, सार खो देते हैं, जैसे बस मशीन की तरह जीवन हो जाता है। धर्म, अर्थ, काम। काम यानी अकेली काम वासना नहीं है, बहुत सारी इच्छाएं। एक स्वाभाविक है, आपको मनुष्य का जन्म मिला है तो बहुत सारी इच्छाएं होती है, मैं ये करूं, वो पाऊं, वहां पहुंचूं, इस तरह से मेरा नाम बनाऊं, ये इच्छाएं स्वाभाविक हैं। भाई मुझे मोक्ष चाहिए, ये भी तो एक इच्छा हो गई। हाँ मुझे साधना करनी, ये भी तो एक इच्छा हो गई। मुझे सेवा करनी, ये भी तो एक इच्छा हो गई। मनुष्य का जन्म मिला है तो ये काम यानी इच्छाएं भी बड़ी स्वाभाविक है, ये आती ही है। तो धर्म, अर्थ और काम, ये शरीर मिला है ना, इसलिए कुछ अंश तक हमें करने ही पड़ेंगे, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। कुछ न कुछ धर्म का पालन हमें करना ही पड़ेगा। आप देखना, हमें लगता है कोई नोटोरियस है या डेकोइट है, वो भी कोई ना कोई धर्म का पालन करता होगा। कुछ अंश पर धर्म का पालन करना ही पड़ता है। और अर्थ यानी मैंने बताया सार, खाना, पहनना, चलना, यानी ये सब रोज कुछ न कुछ सार, मतलब ये क्यों करते हैं, जीवन चलाने के लिए। उसका सार वही है, भाई खाना नहीं खाएंगे तो जीवन नहीं रहेगा, जीवन नहीं रहेगा तो इच्छाओं को मैं कैसे फुलफिल करूंगा, मोक्ष कैसे प्राप्त करूंगा। धर्म, अर्थ और काम, इच्छाएं भी बड़ी स्वाभाविक है, लेकिन जब वो इच्छाएं बड़ी होकर कल्याण की इच्छा जगे, सबका भला हो, सब सुखी हो, वो भी एक चाह ही है। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, मोक्ष ये चौथा पुरुषार्थ है। तो आज हम ये तीन लेते हैं, चौथे को आज छोड़ देते हैं, नेक्स्ट सेशन में इसकी बात करेंगे। लेकिन आज अंत में मैं इतना कहूंगा कि आप एक होमवर्क करना, धर्म, अर्थ और काम, आपका धर्म कौन कौन सा है। अर्थ, आपके अर्थ कौन कौन से हैं, व्हाट इज द जिस्ट ऑफ व्हाट एवर यू आर डूइंग, जस्ट राइट इट डाउन। एंड वॉट आर योर डिजायर्स, काम की भी लिस्ट बनाना। तो कल हम इस पर आगे फिर बढ़ेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। गॉड ब्लेस।